हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ यहाँ पे आपको लॉसेस दिख रहे होंगे। अभी दो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो चुका है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी निफ्टी 13 जुलाई का ये 23,550 की कॉल है, जिसमें 2,000 रुपये का यहाँ पर लॉस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर निफ्टी 13 जुलाई का एक्सपायरी है, ये भी इसमें 23,250 की पुट है, इसमें 1,215 रुपये का लॉस दिख रहा है दोस्तों। और एक ट्रेड दोस्तों आप देख सकते हो 23,350 की पुट है, उसमें भी लॉस ही चल रहा है और वो ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे एक जानने वाले का डीमेट अकाउंट है, उन्होंने ट्रेड किया है, दो ट्रेड उन्होंने कर दिया है। तो मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने गलतियाँ की है वो गलतियाँ कैसे आपको नहीं करना है दोस्तों, वो गलती से दोस्तों कैसे आपको अवॉइड करना है। अगर वो गलती करोगे तो दोस्तों आप मार्केट से पैसा तो नहीं कमा पाओगे। आप स्क्रीन पे जो दोस्तों देख रहे हो कि लॉसेज हुए हैं, ये दोस्तों प्रॉफिट होना चाहिए था और लॉस लिमिट में होना चाहिए था, लेकिन जो उनका लॉस है दोस्तों ज़्यादा हुआ है। और प्रॉफिट होता है तो कम होता है, लॉस होता है तो ज़्यादा होता है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक बात तो आपको बताना ही भूल गया कि ये जो लॉसेज हैं दोस्तों, ये सिर्फ 25 क्वांटिटी का ही ट्रेड लिया गया है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का ट्रेड नहीं लिया गया है। अगर आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं और 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपने 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया है, और 80 पॉइंट स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफर करता हूँ कि 15 से 20-25 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लिया जाए, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, अगर हिट हो जाए तो एग्जिट मार देना चाहिए। फिर से आपको अगर एंट्री मिले तो फिर से आप एंट्री लेंगे दोस्तों, तो आपका पैसा बनेगा। क्योंकि मार्केट अगर गिरने लगेगा तो दोस्तों प्रीमियम ज़्यादा गिर जाएगा, फिर से आप जब यहाँ पे एंट्री बना लोगे तो आपको फिर उसी भाव पे मिलेगा। भले से एक बार आपका और एसएल अगर 15 पॉइंट का चला जाएगा तो टोटल 30 पॉइंट का चल जाएगा, लेकिन अगर वही ट्रेड चल गया तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक में 1,215 रुपये का लॉस हुआ है, तो इसमें भी दोस्तों लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और एक ट्रेड दोस्तों चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो ट्रेड चल रहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूं कि लॉस कैसे लेना चाहिए, लॉस कितना लेना चाहिए। इसमें अभी 400-500 का यहां पे लगभग लॉस चल रहा है, तो स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए दोस्तों, मैं बताया हूँ कि 15 से 20 से 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पे ट्रेड में कट कर दूंगा आपके सामने, और मैं भी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा दोस्तों कि चार्ट में आपको कैसे स्टॉप लॉस को निर्धारित करना चाहिए, कि आपको कहाँ पर निकलना है, और आपको वहाँ पर निकल जाना ही चाहिए, आपको नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठे रहोगे तो आपका बड़ा लॉस होता चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है काफ़ी देर से घुमा रहा है, और जो हमारा लॉस का लिमिट है दोस्तों अभी आया नहीं है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करूँगा, जब आ जाएगा तो एग्जिट कर दूँगा। और दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट पे कहाँ पे निकलना है, किस तरीके से मार्केट कहाँ पे, किस तरीके से मार्केट अगर जाएगा ऊपर की साइड में तो रुकना है, और नहीं अगर जाता है तो निकलना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर दोस्तों चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अच्छी खासी कैंडल ऊपर की साइड में बना था, यानी पुट में ही बना था, और इस तरीके से मार्केट अगर बनाया था तो इसको ऊपर की साइड में निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो 130 का भाव है, ठीक है, 130 के भाव के नीचे, यानी कि जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे मार्केट कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। मैं निकाल दूंगा, जो ट्रेड यहाँ पे चल रहा है उसको मैं निकाल दूंगा, इसके ऊपर मार्केट बना है तब तक मैं भी यहाँ पे बना रहूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो यहाँ से एग्जिट करना सही रहता है, ठीक है, क्योंकि दोबारा एंट्री ले लेंगे ठीक है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के आने के बाद वहाँ पर रुकना बहुत ही गलत हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड लिया गया है, सिर्फ एक लॉट यानी 25 क्वांटिटी का ही ट्रेड लिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 20 से 22 पॉइंट हो जाएगा। अगर 500 से 600
तक का लॉस दिखा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि 20-22 पॉइंट का लॉसेस हो चुका है। इस तरीके से अगर हो जाएगा तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा, क्योंकि 25 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं है। अगर हो सके तो 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लिया जाए। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल बनाया है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो निकल जाएंगे। और उसके ऊपर अगर बना है दोस्तों तो हम भी बने रहेंगे, क्योंकि ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो भी प्रॉफिट होगा, नहीं तो दोस्तों स्टॉप लॉस आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस ले लिया जाएगा, क्योंकि दो बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले लिया गया है ऑलरेडी। अगर वही गलती इसमें भी करेंगे दोस्तों तो वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिमिट में ही स्टॉप लॉस लेना है। अगर अपने लिमिट से दोस्तों आप ज़्यादा स्टॉप लॉस ले लेंगे तो बड़ा लॉस उसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 500-600 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। यहाँ पे जो लॉस हो चुका है वो तो दोस्तों हो चुका है, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर कर रहा है, ऊपर की साइड में निकल रहा है, तब तक ले दोस्तों देखेंगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो ऊपर की साइड में निकल सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट दोस्तों कम से कम 1000-1500-2000 का तो होना चाहिए सिर्फ एक लॉट में। जो लोग 200 और 400 के प्रॉफिट में निकल जाते हैं दोस्तों, फिर उनका ट्रेड लेने का क्या मतलब है, उससे बढ़िया ट्रेड ही ना लें। क्योंकि अगर आप 600 रुपये का, इसमें लगभग जो मैंने 500 से 600 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, तो 1:2 का तो टारगेट होना ही चाहिए, लगभग 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट होना ही चाहिए। उससे नीचे दोस्तों तो बुक नहीं करना चाहिए। अगर बुक करना ही करना है तो 1:1 के ऊपर ही बुक करना है, उसके नीचे तो बुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे अगर मार्केट ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 270-280 रुपये का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, और यहाँ पे लॉस दोस्तों 500-600 के नियर अबाउट आसपास गया था, लेकिन फिर वहाँ से लौट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिकवर किया है, लेकिन जब तक दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूरा होता है, और वहाँ पे मेरा जैसे टारगेट होता है दोस्तों 1:1, 2:3 का, तो उतना नहीं मिलता है तब तक नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि वेट नहीं करेंगे अपने टारगेट के लिए और अपने स्टॉप लॉस के लिए, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वेट करते हैं क्या होता है, स्टेट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉसेस बढ़ के हो चुका है 576 रुपये के आसपास जा चुका है, यानी कि 600 के आसपास यहाँ पे ट्रेड आ चुका है लॉस में, तो यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है अभी ऊपर नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे लॉसेस की लिमिट है इस तरीके से आ चुका है, तो अभी यहाँ पे निकल जाना ही चाहिए। और ऐसे दोस्तों निकल जाना चाहिए, यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब आपका लिमिट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, 23,350 की पुट है, तो इस पर क्लिक करके मैं एग्जिट मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ये फिर से मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा, क्योंकि लॉसेस बढ़ के यहाँ पर 500-600 के बीच में ही चल रहा है। तो 500-600 के बीच में ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, 600 के ऊपर नहीं लेना। यहाँ पे जा चुका है 600 के आसपास, तो यहाँ पे मैं एग्जिट मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेल कर दिया हूँ, और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया गया है, 592 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया गया, यानी 600 के अंदर ही लिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से स्टॉप लॉस लेंगे सिर्फ एक लॉट में, तो अगर आप 2000 का दिन में स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे तो 6×3=12, 6×3=18, यानी 3 स्टॉप लॉस के लिए आप 3 बार एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों यार, तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।